नमस्कार मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में <coughs> तो आज हमारा क्लास नंबर फाइव है एन टी पी सी सी बी टी वन में जितने भी सवाल पूछे गए हैं और उन सवालों से या फिर कह लें तो वो सवाल के जो टॉपिक बनते हैं जैसे कि अगर यहाँ पे हम कह लें कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है तो हम पूरी और पूरी के पूरी सारी क्रांति को देखेंगे चाहे वो श्वेत क्रांति हो चाहे वो हरित क्रांति हो चाहे चाहे वो नीली क्रांति हो चाहे वो काली क्रांति हो ठीक है उसी प्रकार यहां अगर आप देख रहे होंगे सवाल में कि परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का जो है वर्गीकरण किसने किया था मतलब आपसे वैज्ञानिक का नाम पूछा गया है प्रियोडिक टेबल में तो मेनली प्रियोडिक टेबल में चार वैज्ञानिक से आपके सवाल बनते हैं डोवेनियर से न्यूलैंड से उसके बाद मैंडलिव से और आपका एक होता है हेनरी मोजलि से ठीक है तो इसी प्रकार से हम पूरा का पूरा ये चारों साइंटिस्ट को कवर कर लेंगे मतलब क्या है कि आप अगर यहाँ पे अगर ये सीरीज को कवर करते हैं तो अभी अगर अभी अग जैसे कि हमने जो कवर किए हुए हैं इंडियन हिस्ट्री को इंडियन हिस्ट्री को इंडियन ज्योग्राफी को उसके बाद इंडियन सॉरी वर्ल्ड ज्योग्राफ़ी को मतलब कि मैक्सिमम स्टैटिक पार्ट विश्व के जगत से यहाँ पे कवर कर दिया गया है उसके बाद आपकी जो पॉलिटी वाली सेक्शन है और उसके बाद इकोनॉमिक्स की जो सेक्शन है और बाद में अगर हम आए साइंस के सेक्शन में तो बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक जी ठीक है तो लमसम अगर हम बात कर ले तो ये तीन सेक्शन और ये एक स्ट्रेटिजी के और इधर एक बायो और इधर एक फिजिक्स केमिस्ट्री का मैंने बहुत कम वीडियो कह ले तो केवल और केवल हमने दो सॉरी तीन टॉपिक ही करवाए हैं एक तो ऑटोमिक स्ट्रक्चर एक टेबल और एक आपका मोल कंसेप्ट फिजिक्स हमने ऑलमोस्ट सारा कुछ करवा रखा है केवल और केवल आपका लाइट वाला टॉपिक नहीं करवाया है और आपका मॉडर्न फिजिक्स और मैकेनिक्स ठीक है अगर अगर ये सारे प्लेलिस्ट को अगर आप अच्छे से खंगाल डालते हैं मेरे भाई बायोलॉजी बहुत शिद्धत से चीजें करवाई है ग्रुप डी का भी अगर पेपर होगा साइंस में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा तो ऑलमोस्ट 30 या फिर 28 मार्क्स अगर आप इतने सारे वीडियो को कर लेते हैं और एक चीज मैं बताना आपको भूल गया बहुत इंपॉर्टेंट आपकी जो बेसिक कंप्यूटर से आपका जो सवाल बनता है वो दो घंटे के लेक्चर में मैंने कंप्लीट कर दिया अगर ये इतनी चीजें अगर आप करते हैं तो अभी अभी भी अगर आप कहीं की भी टेस्ट सीरीज लगाओगे तो 28 और कितना भी अगर इससे भी अगर हम मिनिमम चले जाए तो ट्वेंटी सेवन मार्क्स तो आप कवर कर ही लेंगे ठीक है अगर अभी अगर आप सोच रहे होंगे कि मुझे थर्टी फाइव प्लस मार्क्स करनी है तो भाई देखिए इसके लिए अगर आप मतलब मैक्सिमम लोगों ने तो पॉलिटी की भी नोट्स हमसे लिए हुए हैं और इकोनॉमिक्स की भी नोट्स हमारे से लिए हुए हैं तो भाई अभी अगर आपने पॉलिटी का भी पूरा कवर कर लिया होगा मेरे नोट्स से इकोनॉमिक्स भी मेरे नोट्स अगर आपने कर लिए हैं और बायोलॉजी भी मेरे नोट्स अगर कर लिए हैं तो अभी आपके थर्टी मार्क्स थर्टी मार्क्स आराम से बन जाएंगे अब हमारा टारगेट क्या है 35 प्लस मार्क्स तो इसको अचीव करने के लिए कौन हेल्प करेगा तो ये जो सीरीज चल रही है हमारी और जी के जो अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ केवल आर्ट एंड कल्चर ही हमारा कंप्लीट हुआ इसके बाद जो मैं जी के में जो मेरा वीडियो आने वाला है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एकदम डेडिकेटेड वीडियो होगा और चीजें वहां मैं आपको समझाऊंगा समझाने के बाद मैं पूरी की पूरी चीजें वीडियो में ही याद करवा दू आ, करवा दूंगा टिक ट्रिक के माध्यम से और इसके बाद फिर आपका जो होगा मैं बताते चलूंगा अवार्ड सेक्शन को हो सकता है कवर करूंगा या खेल कूद को कवर करूंगा या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को करूंगा या फिर पर्यावरण को कवर करूंगा ठीक मेरे भाई तो ये सारी चीज़ें हैं यहां पर और इसी स्ट्रेटेजी के में मैं पंचवर्षीय योजना को भी कवर कर दूंगा क्योंकि सवाल बनेंगे इकोनॉमिक से खैर अब हम आज की क्लास स्टार्ट करते ज्यादा लेट ना करते हुए सवाल है जो हमारा तो देखिए जितनी भी चीजें मैंने बताई है सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा जो चाहते हैं मेरे से नोट्स लेना सेवन नाइन डबल जीरो नाइन डबल जीरो फोर नाइन जीरो टू ठीक है सॉरी मेरे भाई नंबर मैंने गलत दे दिया सेवन नाइन जीरो नाइन डबल जीरो फोर नाइन जीरो टू ठीक है ये इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैं नंबर दे दूंगा आप वहाँ से व्हाट्सअप करके आ, नोट्स ले सकते हैं लेकिन हाँ कुछ चार्जेस मैं बहुत मिनिमम अमाउंट रखता नाइनटी नाइन रुपीज जो भी सब्जेक्ट अगर आपको लेनी तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं टेलीग्राम ग्रुप को सबको ज्वाइन कर लेना मेरे भाई और आज बहुत उमदा क्लास होने वाला मतलब इतना अच्छा मलाईदार कंटेंट रखा हूँ कि आप खुद कहेंगे तो जो सवाल आपसे पूछा गया था एन में या फिर कह लें साइंस सेक्शन में जो बातें अभी तक हमने नहीं स्टार्ट की थी अब हमारा स्टार्ट हो रहा है साइंस सेक्शन में भी कि परमाणु संख्या जो होती है यानी कि एटॉमिक नंबर ठीक है बेस्ड ऑफ अटोमिक नंबर पर एलिमेंट का जो अरेंजमेंट किया गया था पीरियोडिक टेबल में वो करने वाले उसके साइंटिस्ट का नाम पूछा गया था तो चार ऑप्शन थे आपके डोबेनियर जी थे दूसरा ऑप्शन था मोजले जी तीसरा ऑप्शन था मैंडली पे चौथा ऑप्शन था क्या न्यूलैंड ठीक है तो सीक्वेंस वाइज में हम चलेंगे पहले तो इसका आंसर देख लीजिए क्या हैनरी मोजले हालांकि उन्नीस सौ तेरह की उन्नीस सौ तेरह एलिमेंट को अरेंज किया था फाइनली ठीक है हेनरी मोजले को कहा भी जाता है फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो खैर अभी हेनरी मॉजले की बातें हम लोग इस वीडियो में नहीं करेंगे मैंने कहा कि पीरियोडिक टेबल में चार साइंटिस्ट है तो जिसके दो साइंटिस्ट हम लोग आज कवर करेंगे और दो साइंटिस्ट नेक्स्ट वीडियो में जहां भी मुझे क्वेश्चन मिलेगा मैं उसको कवर कर दूंगा ठीक है मेरा भाई तो पीरियडिक टेबल में मैं पूरा का पूरा रिवीजन करवा दूंगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन तो सबसे पहले देखिए पीरियोडिक टेबल पीरियोडिक टेबल से आपको क्या समझ में आ रहा है आवर्त सारणी आवर्त सारणी कहले यानी कि पीरियोडिक टेबल पीरियोडिक मतलब समझ में आ रहा है कोई भी चीज पीरियड देखिए क्लास में जब आप पढ़ाई कर रहे होते थे जब कॉलेज में हो रहे होते या फिर स्कूल में जब हो रहे होते थे तो वहां पर कहा जाता था आपको फर्स्ट पीरियड सेकेंड पीरियड थर्ड पीरियड मतलब एक सर्टेन टाइम का आपका एक पीरियड बनाया जाता था तीस मिनट की एक पीरियड होगी बीस मिनट की आपका जो है लंच वाला टाइम मिलेगा या फिर ब्रेक टाइम जो होगा पांच मिनट का वो पीरियड होगा

आवर्त के बाद कहले तो पीरियड के बाद उस एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी हमें समान देखने को मिलती है वैसे टेबल को हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल जैसे कि हम अगर कहले लिथियम सोडियम पोटैशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसीयम मतलब क्या बोलने बोला लिथियम सोडियम पोटैशियम यानी कि जितने भी इस ठीक है देखिए जितने भी यहां पर आप इस पीरियड आप ग्रुप में और इधर आर चले तो और भी आपको एलिमेंट इधर मिलेगा बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम बेरियम तो ये जितने भी मैगनीशियमेंट है, है उसी प्रकार इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी समान है मतलब समझ रहे कि एक टेबुलर फॉर्म में आपको एलिमेंट का अरेंजमेंट कर दिया गया है टेबुलर फॉर्म में तो सबसे पहले जो देखिए अब इतने आसान तो नहीं थे कि इतने सारे एलिमेंट थे तो तुरंत की तुरंत सारे एलिमेंट को हम अरेंज कर दे एक जगह पे तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे उन साइंटिस्ट का नाम है है डोबेरनियर डोबेरनियर ठीक थे ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने 1817 और एनसीआर एनसीईआरटी में आप देखोगे तो उनतीस भी मिलेगा और बहुत सारी किताबों में 1817 भी मिलेगा तो आप देख ले जो भी एग्जाम में रहे हालांकि ईयर से आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा तो सबसे पहले आपने समझ लिया कि प्रियोडिक टेबल क्या है अब ये साइंटिस्ट क्यों आ रहे हैं कि जितने एलिमेंट है हमारे अर्थ में जितने एलिमेंट थे स्टार्टिंग में अब वो अब हमें देखिए अगर अभी अगर आपके पास पीरियोडिक टेबल नहीं होता तो क्या आप बता सकते थे हेलोजन ग्रुप जैसे कि आपने को मैंने कह दिया केवल हेलोजन मतलब आपको पूरी की पूरी उसकी प्रॉपर्टीज याद हो गई कि फ्लोरिन क्लोरिन फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन एस्टेटाइन ये सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ठीक है ये क्या करेंगे शेयरिंग करेंगे तो क्या क्या करेंगे ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे मतलब मैं कैसे कह दिया अब अब वही चले चलते हैं हम अलकली मेटर की बात करें तो अल्क

परमाणु द्रव्यमान ठीक है एटॉमिक मास यानी कि परमाणु द्रव्यमान के आधार पर मतलब जो एलिमेंट है अगर हम कह लें कि जो सोडियम है ठीक है इसकी एटॉमिक संख्या एटॉमिक नंबर कितनी होगी 11 और 23 तो यानी कि इसके जो परमाणु संख्या के आधार पर क्या किया था इन्होंने एलिमेंट को अरेंज किया था तो देखिए यहां सवाल क्या था परमाणु संख्या के आधार पर और यहां पर देखिए जो डोबेरनियर जी जो थे इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर एलिमेंट को तो केवल केवल जिन्होंने परमाणु मास सॉरी परमाणु द्रव्यमान के आधार पर एलिमेंट को अरेंज किया था ठीक है सॉरी परमाणु संख्या के आधार पर एलिमेंट को अरेंज किया था बाकी जितने भी तीनों साइंटिस्ट हैं उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर एलिमेंट को अरेंजमेंट किया था ठीक है तो देखिए पीरियोडिक टेबल पूरा अगर पढ़ना तो हमारे वीडियो में जाकर के सॉरी सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब में पीरियोडिक टेबल जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तीन घंटे का लेक्चर है कंप्लीट लेक्चर है वो ठीक है हालांकि उसमें और भी बहुत कुछ चीजें मुझे ऐड ऑन करनी है तो समय के साथ आपका सपोर्ट मिलेगा तो बहुत चीजें अच्छी से करूंगा तो यहां से आप देखिए डोबेनियर से क्या क्या साइंटिस्ट क्वेश्चन बनेगा पहला सवाल तो बन जाएगा कि इन्होंने जो एलिमेंट का अरेंजमेंट किया था किस बेसिस पे अटोमिक संख्या के यानी कि अटोमिक नंबर के आधार पर या अटोमिक मास के आधार पर तो आप क्या कहोगे परमाणु द्रव्यमान के आधार पर यानी कि अटोमिक मास के आधार पर लॉ ऑफ ट्रेड यानी कि लॉ ऑफ ट्राइड यानी कि त्रियक नियम किसने दिया था तो डोबेनियर जी ने दिया था अब ये नियम क्या था इन्होंने कहा था कि हम इन्होंने क्या किया था इन्होंने तीन एलिमेंट लिया था तीन एलिमेंट में जो बीच वाला एलिमेंट है यानी कि अगर कह ले ए बी सी तो ये जो बीच वाला एलिमेंट का जो अटोमिक मास होगा पहले अटोमिक मास और तीसरे के अटोमिक मास का एवरेज जो आएगा वो इसका अटोमिक मास होगा तो ये था लॉ ऑफ ट्रेड तीन एलिमेंट इन्होंने लिए थे बीच वाले एलिमेंट का अटोमिक मास पहले और तीसरे एलिमेंट का अटोमिक मास का एवरेज होगा जैसे कि एग्जाम्पल मैंने दिया A, B, C, है ए बी सी ठीक है इसका अटोमिक मास जो था इसके अटोमिक मास और इसके अटोमिक मास का एवरेज हमने जब निकाला तो जो आया वैल्यू वो था आपका बी का जो अटोमिक मास क्लियर ये है लॉफ ट्रेड नेक्स्ट इन्होंने टोटल अच्छा एक और सवाल आपसे पूछा जाता है कि जो प्लेटिनम जो उत्प्रेरक है ठीक है जो कैटलिस्ट जो प्लेटिनियम है इसकी खोज करता कौन है तो जी यही थे जिन्होंने प्लेटिनियम की खोज भी किए थे ये भी सवाल आपका पूछा गया है ग्रुप डी में अब देखिए इन्होंने टोटल पांच ऐसे ट्रेड बनाए थे ठीक है पांच ट्रेड बनाए थे तीन तीन का ठीक है तो टोटल तीन तीन का बनाया था बट तीन ट्रेड तो सक्सेस हुए चौथा ट्रेड और पांचवा ट्रेड क्या हो जाता है फेल हो जाता है तो इसको हम आपसे सवाल पूछा जाएगा या तो देखिए अब अच्छे किताब जब पढ़ेंगे तो पांच ट्रेड मिलेंगे लेकिन नॉर्मल किताब में आपको तीन ट्रेड ही मिलेगा मिलेंगे ठीक है अब ये तीन ट्रेड वगैरह क्या है मैं आपको समझ में आएगी लेकिन अब ऑप्शन देख लीजिएगा तीन है या पांच है ऑप्शन में मुझे जनरली जहां तक लगता है कि तीन ट्रेड ही मिलेगा तो याद रखना है अभी आपको तीन और पांच दोनों जो ऑप्शन मिलेगा वो टिक करेगा तो देखिए इन्होंने पांच ट्रेड बनाए पहला ट्रेड कौन सा था इन्होंने अलकली मेटल को लिए थे यानी कि क्षारिय धातु को लिए थे लिथियम सोडियम और पोटासियम लिथियम का अटोमिक मास लिए और पोटासियम का अटोमिक एवरेज कर दिए ठीक है इनका जब एवरेज किए जो वैल्यू आया अटोमिक मास का वो सोडियम का जितना था 23 वही एग्जैक्ट वैल्यू आता है तो इस प्रकार से पहला ट्रेड जो था वो सक्सेसफुल हो जाता है किन का था पहला तो पूछा जाएगा पहला ट्रेड या फिर बोला जाएगा डोबेंडियर के पहले ट्रेड में शामिल जो मेटल थे वो किस ग्रुप के थे अल्कली मेटल के थे अल्कलाइन अर्थ मेटल के थे या फिर हेलोजन ग्रुप के थे या ऑक्सीजन फैमिली से थे या नाइट्रोजन फैमिली से तो क्या कहेंगे अल्कली मेटल से थे ठीक है मेरे भाई छार्य धातु से थे कौन कौन से एलिमेंट लिए थे इन्होंने तो लिथियम सोडियम और पोटासियम ये बिल्कुल सक्सेसफुल रहा सेकंड ट्रेड जो इन्होंने लिए अल्कलाइन अर्थ मेटल यानी कि छारी मृदा धातु मृदा धातु का अर्थ क्या होता है जो पृथ्वी के भूप से जो एलिमेंट को निकाला गया है मेटल को निकाला गया उसको हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल तो तीन वो मेटल का नाम याद रखना है कैल्सियम एंस्ट्रॉनशियम और बेरियम उसी प्रकार कैल्सियम काटोमिक मास लिया गया बेरियम का काटोमिक मास लिया और टू से यानी कि जब उसका एवरेज लिया गया तो जो वैल्यू आया वो अटोमिक मास जो एंस्ट्रॉनसियम एलसीएम का था वो एग्जैक्ट मिलता हुआ मिला तो इस प्रकार सेकेंड ट्रेड भी इनका सक्सेसफुल रहा तीसरा ट्रेड जो लिया गया वो था आपका हेलोजन ग्रुप का यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन देखिए पहला ट्रेड जो था डोबेडनियर का किसका था अल्कली मेटल का जिसमें लिथियम सोडियम पोटाशियम था सेकेंड ट्रेड जो था वो था आपका अल्कलाइन मृदा धातु का जिसमें था कैल्सियम स्टोनसियम और बेरियम तीसरा ट्रेड जो था हेलोजन ग्रुप का था क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन यानी कि क्लोरीन का अटोमिक मास आयोडीन का अटोमिक मास का जो एवरेज लिया गया और जो वैल्यू आई जो अटोमिक मास की वैल्यू जो आई वो ब्रोमीन के अटोमिक मास के वैल्यू के इक्व थी तो ये तीसरा ट्रेड भी सक्सेसफुल रहा लेकिन चौथे ट्रेड और पांचवें ट्रेड चौथे ट्रेड जो थे आपके ऑक्सीजन फैमिली के थे और पांचवें ट्रेड जो थे नाइट्रोजन फैमिली के थे ये क्या था ये फेल हो गया था कैसे फेल हुआ था देख लेते हैं सबसे पहले इसका एलिमेंट का नाम याद के ऑक्सीजन फैमिली में जो था सल्फर सेलेनियम टेल, टेल्यूरियम टेल ठीक है और पांचवा ट्रेड जो था नाइट्रोजन फैमिली से न्यूज नाइट्रोजन फास्फोरस और आर्सेनिक तो ये जो भी इनका जब एटॉमिक मास जब इनका एवरेज लिया गया सल्फर का और टेल्यूरियम का और इनका जब एवरेज लिया गया तो इनका जो वैल्यू आया सेलेनियम से और इनका जो वैल्यू आता इससे काफी ज्यादा डिफरेंसेस देखने को मिला इस प्रकार ये ट्रेड भी फेल हुआ उसी प्रकार नाइट्रोजन का अटोमिक मास लिया गया और आर्सेनिक का अटोमिक मास लेकर जब एवरेज लिया गया तो उससे जो वैल्यू आया देखा गया फास्फोरस से ये काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिला तो अब यहां से क्या सवाल पहला सवाल कि जो जी थे, पहले साइंटिस्ट कौन थे जिन्होंने एलिमेंट को किया तो सत्रह अठारह सो उन्तीस किस बेस पे इन्होंने एलिमेंट का अरेंजमेंट किया था अटोमिक मास या फिर अटोमिक नंबर के आधार पर परमाणु संख्या या परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तो परमाणु संख्या के दरबार आधार पर यानी कि अटोमिक मास के आधार पर कितने इन्होंने कि लॉ ऑफ ट्रेड यानी कि त्रियक नियम किसने दिया था डोबेडियर जी ने दिए थे टोटल कितने ट्रेड इन्होंने बनाए थे तीन कहेंगे या फिर पांच कहेंगे डिपेंड्स ऑन योर ऑप्शन तीन 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 पांच में में से कितने इनके सक्सेस सक्सेस रहे तो रहा रहा दो फेल रहा. तीन में कौन कौन था पहला था अलकलाई अलकली मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटल और तीसरा जो था हेलोजन फैमिली छारी धातु छारी मृद धातु हेलोजन अल्कली मेटल में कौन कौन से थे तो लिथियम सोडियम पोटासियम अल्कलाइन टल में कौन था कैल्शियम कैल्सियमसियम बेरियम हेलोजन में कौन था क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन और दूसरा जो फेल हुआ था एक था एक था था आपका आपका ऑक्सीजन फैमिली और नाइट्रोजन फैमिली ऑक्सीजन में कौन था आ, सिलिकन टेल्यूरियम और सेलेनियम ठीक <coughs> सेलेनियम और नाइट्रोजन फैमिली में कौन था नाइट्रोजन फास्फोरस और आर्सेनिक ये तीन ये जो दे, दो ट्रेड ये क्या थे फेलियर थे तो यहां तक चीजें क्लियर है या नहीं पहले ये बताइए तो भाई देख लीजिए ये टोटल का टोटल पांचों ट्रेड आपका यहां से सवाल जितना बन सकता था मैंने यहां पे करवा दिया इससे बाहर आपको चाहे ग्रुप डी का पेपर दीजिए चाहे सी डी एस एनडीए का पेपर दीजिए कोई भी पेपर दीजिए यहां से सवाल नहीं पूछ छूटेगा आपका ठीक है सल्फर सेलिनियम और टेल्यूरियम अच्छा शायद मैंने सिलिकन वहां बोल दिया था गलती से ठीक है कोई नहीं चलिए सेकेंड साइंटिस्ट अब आए आप देखिए अब सिंपल सी बात है जहां यहां पे क्या देखा गया कि जो यहां पे एलिमेंट का था जो अरेंजमेंट इन्होंने दिया था लॉ ऑफ ट्रेड का क्रिय नियम का ट्राइड का ये फेल होते चला गया तो अब हमें फिर दिक्कतें हो गई भाई कि अब हम कैसे पढ़ें इन सारे एलिमेंट के बारे में और जैसे फिर इसके बाद हम इनको अरेंजमेंट करने के लिए आए न्यूलैंड जी ठीक है न्यूलैंड आए अब ये जब न्यूलैंड आए तो इस समय टोटल एलिमेंट की संख्या छप्पन हो गई थी यानी कि पहले जो 30 से 40 एलिमेंट को अरेंज कर रहे थे डोबेंडियर अब एलिमेंट की संख्या भी बढ़ गई थी छप्पन तो पूछा जाएगा न्यूलैंड के समय कितने तो नंबर ऑफ एलिमेंट थे तो छप्पन एलिमेंट थे के समय नहीं पूछा जाएगा क्योंकि फिक्स्ड अमाउंट में वो एलिमेंट की संख्या का नंबर डिजिट नहीं दिया गया है कोई भी किताब में इसीलिए तो आपसे यहां पे पूछा जाएगा अब ये महाशय आए ये साइंटिस्ट आए और इन्होंने अपना एक अष्टक नियम दिया लॉ ऑफ ऑप्टिव कहा जाता है इन्होंने क्या कहा अष्टक से आपको समझ में आ रहा होगा आर्ट इन्होंने क्या कहा कि जिस प्रकार जो हिंदी जो संगीत में आप देखे होंगे सा रे गामा पाधा निशा ठीक है देखिए सा रे गा मा पा धा नी फिर से सा आया यानी कि पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां यानी कि ये जो देख रहे हैं पहला और आठवां का जो है रिलेशन सेम है यानी कि इसकी प्रॉपर्टी सेम है उसी प्रकार दूसरी और नौवीं की प्रॉपर्टी सेम है तीसरी और दसवीं की देखिए देख सकते हैं यहाँ पे सा यहाँ भी सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा, धा नी नी ठीक है तो ये आपका लॉ ऑफ ऑक्टेव है यानी कि अष्टक नियम है मतलब इन्होंने जो एलिमेंट को अरेंज किया एक से लेकर के साथ किया और फिर आठवां जो एलिमेंट रखा वो पहले एलिमेंट के नीचे रखा था क्योंकि इनका जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे आठवें एलिमेंट के जो प्रॉपर्टी उसकी फिजिकल और केमिकल उसके समान उसी प्रकार दूसरी एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी नौवी के समान होगी ये आपका अष्टक नियम है अब इसमें क्या क्या चीजें और देखी गई इसके बारे बात करते हैं इन्होंने टोटल छप्पन एलिमेंट को अरेंज करने की कोशिश की ठीक है जिसमें इनका जो बेस था

अभी आइए क्या क्या चीजें पूछा जाएगा आपसे पूछा जाएगा डोबेनियर जी ने सॉरी मैंडली न्यूलैंड ने कौन सा नियम दिया था लॉ ऑफ ऑक्टिव अष्टक नियम दिया गया था क्या था सारे गामा पाधा निशा मतलब पहला और आठवां एलिमेंट का केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है दूसरा और नौवां जैसे कि देख सकते हैं पहला और आठवां दूसरा और नौवां तीसरा और दसवां का जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी समान होगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ ये भी जाकर के फेल होता है अब क्या क्या फेल होता है कैसे कैसे फेल होता है इसको और देख लेते हैं टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट थे इनके समय तो छप्पन थे पहला एलिमेंट इन्होंने जो अरेंज किया था वो कौन सा था हाइड्रोजन था अंतिम एलिमेंट इनका कौन था जो इन्होंने अरेंजमेंट किया था वो थो, कौन था थोरियम था अब आपसे पूछा जाएगा किस एलिमेंट के बाद लॉ ऑफ ऑक्टिव या अष्टक नियम फेल हो जाता तो आप क्या कहेंगे कैल्सियम अब हम इसको दिखाते हैं क्या मैं कहना चाह रहा हूं देखिए इन्होंने अरेंजमेंट किया पहला एलिमेंट रखा हाइड्रोजन उसके बाद लिथियम, अच्छा जब ये जब ये अरेंजमेंट कर रहे थे एलिमेंट इस समय कोई भी गैस या फिर कह तो निष्क्रिय गैस की खोज नहीं हुई थी तो अब यहां से बात करते इन्होंने जो पहला एलिमेंट रखा हाइड्रोजन फिर रखा लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फिर यहां पर रखा इन्होंने फ्लोरिन तो फ्लोरिन उसके बाद रखा सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलीकन फास्फोरस सल्फर फिर रखा क्लोरीन फिर रखा इन्होंने पोटासियम फिर रखा इन्होंने कैल्शियम उसके बाद फिर इन्होंने रख दिया क्रोमियम तो यहाँ पर क्या देखा गया कि जो बोर जो बोरन है जो एल्यूमिनियम है और जो क्रोमियम है इनकी प्रॉपर्टी काफी डिफरेंट देखने को मिली तो यहां से इनका जो था थ्योरी या फिर इनका जो नियम या जो लो लॉ ऑफ ऑक्टिव का थे अष्टक नियम का थे ये फेल हो गया और फेल होने फेल होने का रीजन क्या था कि इन्होंने जो आयरन रखा था ये ऑक्सीजन फैमिली के नीचे जो ऑक्सीजन का जो प्रॉपर्टी है यानी ऑक्सीजन फैमिली में जो ऑक्सीजन है सल्फर, है सल्फर है इनकी जो केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी थी आयरन से काफी ज्यादा अलग थी फिर हम आए यहां पे देखें तो इन्होंने कोबाल्ट और निकेल को हेलोजन ग्रुप के नीचे रख दिया था जो उनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल मिलती जुलती नहीं थी तो मतलब आपसे क्या पूछा जाएगा कि जो फेल हुआ था न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव या फिर अष्टक नियम किस एलिमेंट के बाद फेल होता है तो कैल्शियम कैल्शियम तक सारी प्रॉपर्टी सेम थी देखिए यह हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हाइलोजन ग्रुप में भी रखा जाता है और पहला ग्रुप में भी रखते हैं ठीक है इसलिए उनको अवारा तत्व भी कहा जाता है अवारा एलिमेंट भी हम कहते हैं तो ये जब रखा गया यहां तक प्रॉपर्टीज काफी सिमिलर थी सी. तो आपसे एक और सवाल पूछा जाएगा कि केमिकल का पोजीशन बताइए न्यूलैंड के न्यूलैंड के लॉ में या फिर लॉ ऑफ ऑक्टिव में तो आप पोजिशन काउंट करिए अब ये केवल कैल्शियम का ही नहीं पूछेगा में क्या किया गया है? गया है है आपसे पूछा एल्यूमिनियम का, का पोजीशन तो आप ऑंधे मुंह जाके गिर गया था एग्जामिनेशन में क्योंकि ये आपको याद नहीं तो ये पूरा याद करिए एकदम याद करना एकदम आसान है कैसे याद होगा देखिए हाइड्रोजन लिथियम हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम, ठीक है हाइड्रोजन हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम, बेरिलियम उसके बाद इधर आएगा, तो आप क्या मिलेगा बोरोन कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फिर इधर आ जाइए फ्लोरीन, ठीक है लिथियम के बाद सोडियम मैग्नीशियम बोरोन के बाद एल्यूमिनियम कार्बन कॉलेज स्टूडेंट ठीक है ऑक्सीजन ऊषा से ठीक है सल्फर न्यूज पेपर न्यूज नाइट्रोजन फास्फोरस फिर

अब एक चीज तो क्लियर है पहला एलिमेंट हाइड्रोजन कैल्शियम के बाद फेल सत्रवा पोजिशन लास्ट एलिमेंट कौन थोरियम किस बेसिस पे इन्होंने अरेंज किया था अटोमिक मास के आधार पर परमाणु द्रव्यमान के आधार पर लो ऑफ ऑक्टिव अष्टक नियम इन्होंने दिया था टोटल एलिमेंट कितना है तो 56 है यहां पे वही लिखा मैंने कैल्शियम के बाद जो होता है ये लॉ क्या हो जाता फेल फेल हो जाता है सेवन तो पोजिशन है इस समय इनट गैस निष्क्रिय गैस की खोज नहीं हुई थी ठीक है फेल होने का रीजन भी मैंने बता दिया है आपको ठीक है तो बस चलिए अब दो साइंटिस्ट तो हमने कवर कर दिया भाई आप नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे मैंडलिफ को और फिर हेनरी मोजल को एक ही वीडियो में कर देंगे। देखेंगे क्वेश्चन तो। बन सकते हैं आपसे पूछा तो क्या था गुप्त वंश का संस्थापक कौन था अगर आपने एंशियंट हिस्ट्री नहीं किया है तो भाई इसीलिए मैंने कहा तीस से अट्ठाइस पच्चीस मार्क्स अभी आपका फिक्स अगर मैंने जितना प्ले का नाम बताया जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया अगर आपने कर लिया तो ठीक है बाकी ये सीरीज आपका और स्टैटिक वगैरह सीरीज जो है थर्टी फाइव प्लस लेकर के चला जाएगा कोई इसमें डाउट वाली बात ही नहीं है तो पूछा गया था गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे तो श्री गुप्त है अब आपकी आपके एग्जाम में और क्या पूछा जा सकता है कुछ राजवंश महत्वपूर्ण राजवंश है कन्व वंश जिनके संस्थापक वासुदेव है राजधानी क्या है पाटली पुत्र है सातवाहन वंश जो है इनके संस्थापक कौन है सिमुख है और राजधानी क्या है तो प्रतिष्ठान है पाल वंश जिसके संस्थापक गोपाल है और इनकी राजधानी मुंगेर है पुष्य भूत वंश जो नरवर्धन है कन्नौज है ठीक है आपने नोट्स भी लिया होगा हमारा इंडियन हिस्ट्री का तो देख सकते हैं कि कितना बखूबी से सवाल आपके फंसे हुए एग्जाम में नेक्स्ट चालुक्य वंश जो है जयसिंह है संस्थापक और बदामी वतापी जो है इनके राजधानी है नेक्स्ट चालुक्य वंश जयसिंह और बदामी और वतापी हो गया राष्ट्रकूट वंश दंतीदुर्ग और मान्य मान्य, मान्य खेत ठीक है मान्य खेत जो है इनके राजधानी है चौहान वंश इनके वासुदेव जी हो गए और अजमेर इनका राजधानी हो गया चंदेल वंश नन्नू खजुराहो ये पूछा गया सवाल आगे के शिफ्टों में अगर आप शिफ्ट वाइज अगर क्वेश्चन देख रहे होंगे तो अभी तक मतलब चार क्लास के बाद ये पांचवा क्लास करने के बाद आपको कितने सवाल आपके इजी वे में बन गए होंगे अगर आपने पूरा वीडियो अच्छे से कवर के होंगे तो देखिए ये होता है एक राइट वे में राइट वे स्टडीज स्ट्रेटेजी से कोई भी चीज को या फिर खासकर जीके जीएस को पढ़ना नेक्स्ट हो गया चोल वंश का संस्थापक विज्यालय और ये जो आपका राजधानी जो हो जाएगा तंजावूर ठीक है नेक्स्ट गंग वंश के जो संस्थापक है व्रज वर्मन पुरी और दास वंश आप आगे जाइए दास वंश से भी पूछा गया है कि इनके संस्थापक कौन है तो कुतुबुद्दीन एवक है नेक्स्ट बायोलॉजी का सवाल आया हुआ था आपके एग्जाम में पीतरस शरीर के किस भाग से श्रावित होता है तो इसका सही जवाब होगा लीवर तो लीवर तो और जो जो सवाल पूछे गए थे और जो जो सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं जो एक्सपेक्टेड है तो बायोलॉजी का पूरा कंप्लीट लेक्चर हमारा जरूर देखिएगा बहुत शिद्दत से मेहनत से मैंने बनाया है तो स्टडी ऑफ लीवर और वो एग्जाम हर एक एग्जाम को कवर करेगा पीसीएस से लेकर के ग्रुप डी का तो चलिए क्या क्या लीवर क्वेश्चन बन सकता है पहला तो हो गया क्लियर कि पितरस कौन श्रावित करता है आपका बॉडी का कौन सा पार्ट कौन सा ऑर्गन तो लीवर हो गया आगे बढ़ेंगे भाई स्टडी ऑफ लीवर को क्या कहा जाता है हिपेटोलॉजी कहा जाता है लीवर क्या होगा आपसे पूछा जाएगा कि लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी सबसे बड़ी ग्रंथि आपके बॉडी की कौन से है या फिर ह्यूमन बॉडी की कौन सी है तो वो कौन सी है लीवर है लीवर की जो सेल को क्या कहा जाता है हिपेटिक सेल कहा जाता है पूछा जाएगा हिपेटिक सेल का संबंध किससे कोई भी ऑर्गन का नाम दे लीवर दे दिया जाएगा किडनी दे दिया जाएगा तो आपको क्या बोलना है लीवर का जो सेल होता है उसको हम कहते हैं हिपेटिक सेल और ये एक ऐसी कोशिका होती है जिसके अंदर पुनर्जनन के पावर सबसे अधिक अधिक होती है हाइएस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन होती है इसकी जो वेट होती है 1.5 पॉइंट फाइव के जी अप्रॉक्स में बता रहा हूं यानी कि हेवियस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी अपने ह्यूमन बॉडी में सबसे अगर हैवीएस्ट अगर ऑर्गन अंग अंग की बात करें तो वो आपका लीवर होता है लीवर के अंदर जो होता है टिश्यू होती है जिसमें आपका फैट फैट क्या होता है स्टोर होता।, तो होता है तो पूछा जाएगा टिश्यू होता है के अंदर काम क्या है टिश्यू का का तो फैट स्टोरेशन करना ठीक है लीवर में क्या है विटामिन स्टोर होता है तीन चीजें चार चीजें मैं बताऊंगा क्या क्या एक तो आपका फैट को स्टोर करना कहा तो लीवर में विटामिन को स्टोर करना कहा तो लीवर में कौन कौन सा विटामिन ई विटामिन ए विटामिन डी विटामिन के अगर आपका पूछ लिया जाए कि जो एक मिनट मेरे भाई हाँ जी तो हम लोग बात कर रहे थे विटामिन तो लीवर में क्या क्या या तो फैट स्टोर होता है विटामिन स्टोर होता है फैट कहाँ एडिपोज टिश्यू में और विटामिन कहाँ स्टोर होता है लीवर में कौन कौन से विटामिन ई e, ए डी के ठीक है तो आपसे पूछेगा जो एडिपोज टिश्यू का संबंध लीवर से किडनी से तो लीवर से एडिपोज टिश्यू में क्या होता है स्टोर तो फैट स्टोर होता है कौन कौन से विटामिन स्टोर होते हैं लीवर में ई ए डी के नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि जो बॉडी यानी कह ले तो जो शरीर के ताप को नियंत्रित करता है वो कौन सा पार्ट है आपका बॉडी का कौन सा ऑर्गन है तो लीवर लीवर जो होता है बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है मतलब आपका जो बॉडी का तापमान है उसको संतुलित बनाए रखता है आपका लीवर लीवर जो होता है बाइल जूस पीतरस बनाती है नेक्स्ट आपका जो काम है लीवर का अमोनिया यूरिया यूरिया का आपका फुल फॉर्म पूछता सॉरी केमिकल फॉर्मूला पूछता है एनएस टू सी ओ टू जो होता है इनके फॉर्मेशन में भी आपका लीवर हेल्प करती है नेक्स्ट बाइल जूस में क्या प्रेजेंट होता है तो दो तरह के पिगमेंट प्रेजेंट होता है पिगमेंट का अर्थ मैंने बताया था बायोलॉजी के क्लासेस में कि कोई भी चीज का जब कलर आपको देखने को मिलता है तो उसके पीछे क्या होता है कोई पिगमेंट होता है तो बाइल जूस में दो तरह के पिगमेंट प्रेजेंट होती है बिली रूबिन पिगमेंट और एक होता है बिली वर्डिन पिगमेंट जो बाइल जूस का कलर होता है ग्रीन कलर और ये जो ग्रीन कलर होता है किस कारण तो बिली वर्डिन पिगमेंट के कारण और ये जो बिली रूबिन पिगमेंट होता है ये कौन सा कलर देता है तो येलो कलर देता है बाइल जूस का पीएच वैल्यू आपसे पूछता है तो ये 7.5 से 8.5 के बीच होता है यानी कि ये कैसा है तो बेसिक नेचर का है यानी कि क्षारिय है नेक्स्ट अगर एक्सेस अमाउंट में जब बाइल जूस जब बॉडी में बनने लगती है तब क्या होता है कि बाइल जूस जो होता है आपके गोल्ड ब्लडर में स्टोर हो जाता है तो पूछा जाएगा कि एक्सेस जो जाय बाइल जूस बाइल जूस जो बनती है वो कहाँ स्टोर होता है तो आपके गोल्ड ब्लडर में स्टोर होता है नेक्स्ट आपका जो होता है फैट्स और लिपिड को ये बाइल काम क्या होता है जो फैट्स और जो लिपिड होता है उसके डाइजेशन में ये हेल्प करती है उसको कन्वर्ट कर देती है फैटी एसिड में ठीक है नेक्स्ट आप देखिएगा डाइजेस्टिव सिस्टम का वीडियो तीन चार घंटे में कंप्लीट मैंने करवा दिया है तो उसको देखिए तो क्लियर होगा यहां मैं टू दी पॉइंट बात कर रहा हूं आपसे नेक्स्ट आपका जब ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है एक तो मैंने आपको बताया फैट स्टोरेशन दूसरा मैंने बताया विटामिन स्टोरेशन लीवर में तीसरा मैं अभी बताने वाला हूं जो आपसे पूछता है जब हमारे बॉडी में एक्सेस अमाउंट में ग्लूकोज हो जाती है तो क्या होता है इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजोन में ग्लाइकोजेन में बदल देती है अभी ये सब ग्लूकोज क्या है ग्लाइकोजेन क्या है यहाँ नहीं कहूंगा भाई मैं वहां पे बता रखा मैंने जब हमारे बॉडी में एक्सेस अमाउंट में ग्लूकोज हो जाती है तो हमारे बॉडी में एक इंसुलिन हार्मोन रिलीज होती है मैंने बताया है बीटा सेल के बारे में जो पेनक्रियाज में ठीक है अगर आपने ग्लैंड वाला टॉपिक देखा है जो इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करता है और ये एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को क्या कर देता है ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट कर देता है और यही ग्लाइकोजेन जो होता है आपके लीवर में आकर के स्टोर हो जाती है जब बॉडी में आपका ग्लूकोज की नीड होती है ग्लूकोज की खत्म ग्लूकोज खत्म हो जाती है तो फर्दर यही ग्लाइकोजन जो लीवर में स्टोर होती है इसका फर्दर ब्रेकडाउन होता है फर्दर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है फिर ग्लूकोज का क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है और आपके बॉडी में ए फॉर्मेशन होती है एनर्जी की फॉर्मेशन तो बहुत डिटेल वे में हमने चला था तो आपको वहीं से करना होगा बाकी यहाँ पे तो आपसे पूछेगा कि ग्लाइकोजेन का स्टोर कहां होता है तो लीवर में होता है ग्लूकोज जब एक्सेस अमाउंट में बन जाती है तो किस में कन्वर्ट हो जाती है ग्लाइकोजेन में और क्या स्टोर होता है फैट होता है विटामिन होता है नेक्स्ट बाइक सारी क्रांतियां हम देख लेते हैं एक बार उर्वरक उत्पादन का जो होता है संबंध कौन सी क्रांति से तो ग्रे क्रांति से ग्रे रिवोल्यूशन ठीक है ग्रे रिवोल्यूशन तो डायरेक्ट पूछा गया था सवाल कि उर्वरक उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर जो आपके प्रोडक्शन का संबंध है कौन से क्रांति से तो ग्रे रेवल्यूशन से नेक्स्ट क्रांति अब हम देख लेते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति से क्या क्या सवाल बनेगा विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है तो नॉर्मन वॉर्लो को माना जाता है 1960 के दशक और अगर ऑप्शन में रहा तो बीसवीं अब ये सब जो मैं कर रहा हूँ ना ये आपके एग्जाम का पूछा गया सवाल है कि बीसवीं सदी या फिर आपका 19वीं सदी की बात थी तो ये 20वीं सदी के बाद जैसे 19 घुसा यानी कि 20वीं सदी 2000 आ गया तो आपकी 21वीं सदी समझ रहे हैं कि नहीं नेक्स्ट आपका जो क्या क्या हो गया विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन हो गया उन्नीस सौ साठ के दशक यानी कह ले तो सदी में शुरू किया गया था अब भारत में जो हरित क्रांति का नेतृत्व किए थे किसने किया था एम एस स्वामीनाथन जाइए आगे वाले शिफ्ट में आपको मिलेगा सवाल एम एस स्वामीनाथन द्वारा किया गया था यह शायद सोलह जनवरी में पूछा गया था याद तो नहीं है मुझे ठीक है हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप खादान उत्पादन मेन जो यह हरित क्रांति का पर्पस था क्या था खादान उत्पादन खादान में भी विशेष रूप से गेहूं और चावल में भारी वृद्धि हो ठीक है जब भारत की आजादी हुई थी तो काफी ज्यादा गरीबी थी खाने के लिए हमें अन्न हम उधार लेते थे दूसरे देशों से अमेरिका वगैरह देशों से तो एक हरित क्रांति जो था खदान के उत्पादन में काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाई थी और विशेष रूप से गेहूं चावल के उत्पादन के वृद्धि में मेनली क्या किया गया था कि इसमें हाई ठीक है यानी कि उच्च उपज देने वाली किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया था जिससे काफी ज्यादा खादान उत्पादन हुआ था गेहूं चावल के उत्पादन में काफी ज्यादा वृद्धि हुई थी और इसकी प्रारंभिक शुरुआत या सफलता की बात करें तो मेक्सिको में और भारत में देखी गई थी भाई हरित क्रांति क्लियर है ग्रे रिवोल्यूशन का संबंध उगरक उत्पादन से है ठीक है मेरे भाई हरित क्रांति नॉर्मल बॉर्डलो विश्व में लाने वाले या फिर हरित क्रांति के जनक नॉर्मल बॉर्डर उन्नीस सौ साठ के दशक विश्व में भारत में हो गया स्वामीनाथन एम एस स्वामीनाथन मेनली जो गेहूं चावल के उत्पादन में काफी ज्यादा वृद्धि हुई है खादान उत्पादन का संबंध है इससे सफलता कहां मिली थी मैक्सिम को वह भारत में और इसमें हुआ क्या था क्या, क्या जा गया था हरित क्रांति में उच्च उत्पादन देने उच्च उत्पादन किस्म के बीजों का इसमें यूज किया गया था नेक्स्ट रिवॉल्यूशन श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से और आपसे पूछा जाएगा ऑपरेशन फ्लड का संबंध भी दुग्ध उत्पादन से ही होता है ठीक है इसको ही आगे चलकर नाम दिया गया था या कहा गया था ऑपरेशन फ्लड पीली क्रांति यानी कि येलो खाद तेल और तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए आपको जो है येलो रिवोल्यूशन लाया गया था नीली क्रांति यानी कि ब्लू रिवोल्यून मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए यह चलाया गया था यह आपका रिवोल्यूशन गुलाबी क्रांति यानी कि पिंक रिवोल्यूशन या प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है काली क्रांति यानी कि ब्लैक रिवोल्यूशन पेट्रोलियम खनिज तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इसका संबंध और कोयला से भी है ठीक है यानी कि काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम खनिज तेल के उत्पादन को बढ़ाने से तो है ही साथ ही साथ इसका संबंध कोयला के उत्पादन से भी है नेक्स्ट सिल्वर रिवोल्यूशन रजत क्रांति भारत में अंडा उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए की गई थी सिल्वर क्रांति सुनहरी क्रांति यानी कि गोल्डन रिवोल्यूशन जो है आपका इसका संबंध जो था बागवानी उत्पादन में बागवानी में भी विशेष फल अगर आपका नाम रहेगा ऑप्शन में तो सेब के उत्पादन में किया गया था सुनहरी क्रांति तो ऑलमोस्ट क्रांति आपका कब कवर है दोनों साइंटिस्ट मैंडलिव और मोसले बचा हुआ है उसके बाद आपका लीवर पूरा कंप्लीट करवा दिया मैंने आज आपका मतलब ये देखिए तरीका होगा कि आपका टॉपिक भी रिविजन कर गया है अगर आपने नहीं भी पढ़ा होगा तो आपको चीजें यहां से मिलती चली जा रही बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सारे वीडियो को फॉलो करिए जितनी मैंने बताई है बाकी हो सके तो चैनल को सपोर्ट करना यार ठीक है चलिए तो मिलता है अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद